सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमाज लाइफ। और मैं हूँ अनिमा। तो आज मैं आप लोगों को लेकर के आई हूँ बनारस की साड़ियों की फैक्ट्री में। मतलब बनारसी साड़ियाँ कैसे बनती हैं, क्या क्या मशीनें होती हैं और कितना टाइम लगता है। तो आज मैं आप लोगों को सीधा का सीधा मैन्युफैक्चरिंग हाउस में लेकर के आई हूँ। तो चलिए चलते हैं, अब हम देखते हैं कि बनारसी साड़ियाँ कैसे बनती हैं, कैसे उनका डिज़ाइन विज़ाइन निकलता है, मशीनें कैसी होती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। कितना टाइम लगता है भैया एक साड़ी का? तो ये देखिए, ये है प्लेन साड़ी पूरी तरीके से, मतलब कुछ 15-20 मीटर की साड़ी होती है और उसको ये लोग एक साथ फंसा देते हैं और उसके बाद में फिर ये उस पर डिज़ाइन विज़ाइन करते हैं। और ये कंप्यूटराइज डिज़ाइन हो रही है, मतलब ये पावर लूम बोलते हैं। इस तरह की साड़ियों को पावर लूम की साड़ियाँ बोलते हैं। और जो हैंडमेड साड़ियाँ होती हैं उसमें ऑब्वियसली देखिए हाथ से कढ़ाई होती है, हाथ से डिज़ाइन निकलता है। तो ये पावर लूम की साड़ियाँ, मतलब इनमें पूरा का पूरा मशीनरी वर्क हो रहा है। लूम पे साड़ी बनती है व्हाइट, फिर कलर होता है, फिर वर्क होता है। ओके, काउंट में से 10-12 स्टेप होते हैं, 10-12 एक साड़ी कंप्लीट होती है। एक मशीन पे 10 लाख, एक मशीन बोले तो ये वाली मशीन है, सिर्फ एक पूरा है ना। अच्छा, पूरा सेटअप। ओके, अब इसे धागा कट गया तो ये रुक गई है। फिनिशिंग हो गया अभी इसकी है। तो ये देखिए येलो कलर की साड़ी, मतलब इन लोगों की थोड़ी सी कंप्लीट हो गई थी तो मुझे दिखाने के लिए इन लोगों ने मशीन से निकाल दी थी। और एक साथ में कई सारी साड़ियां फंसा देते हैं, मतलब कुछ 10-15 साड़ियां फंसा देते हैं। कई सारे कलर आप लोग देख रहे होंगे, पीच है, पिंक है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, कई सारे कलर इन लोग फंसा के रखते हैं, ऑरेंज भी है साथ में पीछे ही। तो ये साड़ी इन लोगों ने निकाल के दिखाई थी मुझे कि हाँ देखो ये मतलब इतना वर्क कंप्लीट हो गया और ऐसी दिखती है। तो मैं इसको अपने ऊपर डाल करके ट्राई कर रही थी कि हाँ कैसे लगे। ऑब्वियसली देखिए येलो कलर मुझे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट तो नहीं है बट यह मुझे अच्छा लगता है। और देखिए आप लोग कैसी है ये साड़ी। और प्लीज़ अगर मेरी मेहनत में थोड़ा बहुत लगे कि हाँ मैं रेलिवेंट वीडियोज़ बनाती हूँ, आप लोगों के लायक जानकारी लेके आती हूँ, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो चैनल को और लाइक शेयर कर दिया करो। और यहाँ पर देखिए ये इस साइड का जो बंडल है ना साड़ियों का, ये रेडी साड़ियाँ हैं, लाइक मतलब कढ़ाई वढ़ाई हो चुकी है लेकिन अभी भी 10 से 12 स्टेप होते हैं कुछ क्या बोलते हैं फिनिशिंग करने के लिए। और ये जो साड़ियाँ हैं येलो कलर की, एकदम प्लेन साड़ियाँ हैं, इनमें अभी पूरा का पूरा काम बाकी है। कढ़ाई होगी, पहले तो डिज़ाइन विज़ाइन निकाला जाता है और उसके बाद में कढ़ाई वढ़ाई होगी जो भी होता है, उसके बाद में 10 से 12 स्टेप होते हैं इसको सॉफ्ट करने के लिए और प्रेसिंग वगैरह होती है। तो ये देखिए मतलब ये साड़ी, और ये रेड वाली साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी, मैं सोच रही थी मम्मी के लिए ले लूँ। तो यहाँ मैं प्राइस वगैरह इनसे डिस्कस कर रही थी कि हाँ थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा कर लो इस तरह से, क्योंकि ये मुझे रिटेल के प्राइस पे ही बता रहे थे साड़ी, मतलब जो ये लोग रिटेल के प्राइस पे बाहर में बेचते हैं। तो बस वही मैं प्राइस का डिस्कस कर रही थी कि थोड़ा सा कम कर लीजिए और मैं इसको परचेज कर लेती हूँ। और ये है इन लोगों का शोरूम, उधर उन लोगों की फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है जहाँ पे इन लोगों का लाइक कढ़ाई वढ़ाई जो भी होता है मशीनरी वर्क होता है पूरा, और यहाँ पे ये लोग बेचते हैं। तो यहाँ पे सूट और साड़ियाँ दोनों ही चीज़ें मिलती हैं, वुमेन्स से रिलेटेड मतलब सारे ही कपड़े मिल जाते हैं इन लोगों के यहाँ पे। तो बस मैं यहाँ पे आई थी कि इसका भी व्यू ले लेती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा डिस्कस कर रही थी कि हाँ साड़ियाँ वगैरह प्राइस क्या रहता है और अगर बल्क में लेंगे तो कितना मिलेगा और अगर एक साड़ी लेते हैं तो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे ये लोग मुझे डिज़ाइन वगैरह भी दिखा रहे थे कि इस साड़ी का इतना प्राइस है और मतलब अपना अपना पूरा बता रहे थे इन लोग यहाँ पर।